हेलो स्टैंडर्ड सेकंड, वेलकम इन मैथ्स लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, राइट। बट इन चैप्टर नंबर 2's वर्कबुक वी हैव स्किप सम पेजेस ओवर देयर। मैंने आपको वर्कबुक लिखने के लिए दी थी मैथ्स के सेकंड चैप्टर की, काउंटिंग इन ग्रुप्स। उसमें मैंने आपको कुछ पेज स्किप करवाए थे जो कि 27 से लेकर 29 तक थे। वो मैंने इसलिए स्किप करवाए थे क्योंकि आपकी सडनली एग्जाम आ रही थी और आपका चैप्टर उसमें इंक्लूड था, और ये जो पॉइंट थे वो आपके लिए थोड़े न्यू थे, देर वॉज सम अननोन फॉर यू। ओके, सो आई हैव टूडे गोइंग टू एक्सप्लेन यू ब्रीफली। ओके, so we are starting our explanation. Look at this. This is page number 27. I am going to explain from here. Number 2, expand the numbers one has been done for you. यहाँ पर आपको 2 digit के number दिए हैं और आपको उसको expand करना है। Expand मतलब कि सिंपल फॉर्म बताना है उनका। तो यहाँ पर है 54। 54 को उन्होंने कैसे एक्सपांड किया है, तो के 50 + 4। तो बाकी के तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे कैसे हम सीख सकते हैं। आपके लिए अगर ये नया है, आप पहले नहीं सीखे हो, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे करते हैं। सपोज इन्होंने यहाँ पे नंबर लिया है 54, तो हम हर चीज को, हर नंबर को डिवाइड करते हैं प्लेस वैल्यू में। अभी प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये प्लेस वैल्यू है। ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का, और ये हंड्रेड का। अभी देखो वंस किसको बोलते हैं, आप जो नंबर बोलते हो 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक, ये सब सिंगल सिंगल नंबर है ना, ऐसे 1, 2, 3, ये 9 तक सारे के सारे नंबर क्या है, सिंगल है। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर किस में आते हैं, ये वंस की प्लेस में, कित में आते हैं, ये बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट नंबर आता है 10, तो 10 में कितने नंबर हो गए, 2, तो इसको हम टेंस की प्लेस में रखेंगे। यहाँ पर 10 से लेकर 10, 20, 30 ऐसे आप लेते जाओगे तो 90 तक दो दो नंबर आएंगे, है ना। लेकिन 100 जब पहुँचोगे तब कितने नंबर आएंगे, 99 तक आपको ऐसे डबल नंबर आएंगे, राइट। 99 तक, फिर 100 आता है। तो 1 से लेकर 9 तक सिंगल नंबर है, इसलिए वो वंस की प्लेस में आते हैं। फिर 10 से लेकर अप टू 99 ये डबल डबल नंबर है, तो वो कहाँ पर आएंगे, टेंस की प्लेस में। फिर आती है 100 की प्लेस, 100 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो 100 से लेकर 199, 200 ऐसे आप करते जाओगे तो कहाँ तक पहुँचोगे, तो यहाँ 100 से लेकर 199, 299 ऐसे करते जाओगे, तो जब 999 आता है उसके बाद आता है 1000। तो 1000 में 4 नंबर बढ़ गए, मतलब 100 से लेकर यहाँ पर 100 की प्लेस कहाँ तक जाएगी, 100 से लेकर 999 तक। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, मतलब 1 में 1 to 9, 10 में 10 to 99, 100 में 100 से 99। लेकिन ये वाला पोर्शन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि शायद आपको नहीं आएगा। हमको कहाँ सीखना है, 10 to 99 तक। तो अभी आपको पता चल गया कि देखो इन्होंने क्या किया है, 54 का मतलब क्या है कि 50, है ना, आप ऐसे करते हो ना, 50, फिर 51, 52, 53, 54,
तो 50 के अंदर जब हम 4 ऐड करते हैं तब 54 होता है, राइट। तो अभी आपको समझ गया आ गया, ये वंस की प्लेस और ये टेंस की प्लेस है। ऐसे ही आपको नंबर यहाँ पर बनाने हैं। यहाँ पर देखो 14 कब आता है, तो के 10 के बाद, है ना। तो 10 प्लस 4। 79 कब आता है, तो जब हम 70 में 9 ऐड करें, तो 17 प्लस 9। 63 कब बनेगा, तो 60 में 3 ऐड करें तब। 99 कब बनेगा, 90 में 9 ऐड करें तब। ऐसे तो ये वंस की प्लेस को ऐसे ही रख देना है, और जो टेंस की प्लेस है उसको 0 के साथ जोड़ देना है। ये भी एक शॉर्टकट है, देखो यहाँ सब जगह 4 ऐसे ही आ गया, 9 6 9 5 2, और ये जो टेंस की प्लेस है उसके साथ यहाँ 0 लग गए हैं। देखो 5 के साथ 0, 1 के साथ 0, 7 0 6 0 9 0 8 0, है ना। तो ये एक्चुअली दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है कि 50 के बाद 51 52 53 54, मतलब 50 में 4 ऐड करें। वो याद नहीं रहता है तो ये शॉर्टकट है, वंस की प्लेस को ऐसे ही रख दो, टेंस की प्लेस के साथ 0 डाल दो। तो ये हो गया आपका। नाउ राइट द नंबर इन देयर शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म 3 tens 9 ones, तो वंस को तो ऐसे ही रखना है और 3 को उसके आगे डाल देना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, 3 tens मतलब 3 times 10, मतलब 1 time 10, 2 time 10, 3 time 10, कितना हो गया 30। तो 3 tens plus 9, तो प्लस यहाँ पर 9, तो क्या हो गया 39। ये सही तरीका है उसको समझने का। अभी शॉर्टकट देखो, 3 tens and 9 ones, तो वंस तो ऐसे ही रहेगा, टेंस उसके आगे आ जाएगा। 8 tens है वो आगे रखो, 3 को बाद में भेज दो। 5 tens 5 को आगे रखो, 5 को पीछे भेज दो। 2 tens तो 2 को आगे, वंस को पीछे, मतलब टेंस आगे रहेगा और वंस पीछे, ठीक है। 8 tens मतलब 10, टेंस मतलब क्या, अभी यहाँ पर आप अटकोगे। 8 tens मतलब 10, 10 टाइम, तो 80 होता है, कितना होता है 80। इसमें वंस की प्लेस नहीं है तो वंस की प्लेस पर 0 डाल दो। 6 tens मतलब 6, 7 ones मतलब 7, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट पेज, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर विदाउट रिपेयरिंग द डिजिट, सॉरी विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे क्या करना है कि आपको 2 कोई भी डिजिट दिए हैं, 7 and 2, उससे आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट। तो आप देखो, पहले यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए बोला है, फिर ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो पहले यहाँ डिजिट को देखते हैं। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो टेंस की प्लेस में छोटा नंबर रखो, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 2, तो यहाँ पर पहले हमने 2 रखा, फिर बड़ा नंबर डालते हैं तो 27। अभी आपको बड़ा नंबर बनाना है तो टेंस की प्लेस पर बड़ा नंबर रखेंगे, तो 7 2, मतलब कि अगर 10 2 नंबर दिए हैं, 2 मीन्स वो टेंस की प्लेस हो रही है, तो टेंस की प्लेस में अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो छोटी डिजिट रखनी है, और बिगेस्ट नंबर बनाना है तो बड़ी डिजिट डालनी है। देखो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर पहले हम सब बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखो 3 and 5 है तो मैंने 35 डाल दिया। 2 and 1 है तो मैं 2 1 नहीं डाल रही हूँ, 1 2 डाल रही हूँ, क्योंकि 1 छोटा है तो 12। 6 7 में कौन छोटा है, 6, इसलिए 67। 4 3 में कौन से डिजिट स्मॉल है, 3, तो मैंने यहाँ 3 फोल्ड डाल दिया। अभी ऐसे ही बिग सोच रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 7 2 में,
सेवन, तो हम यहाँ लाएंगे सेवन और बाद में टू डालेंगे, ठीक है। फिर थ्री फाइव में कौन बिग है, फाइव, तो हम क्या डालेंगे, फाइव थ्री, तो यहाँ पे फाइव थ्री। फिर टू वन में कौन बड़ा है, तो के टू, तो टू वन। फिर यहाँ पर सिक्स सेवन में कौन बिग है, सेवन, तो हम क्या नंबर बनाएंगे, सेवन सिक्स, सेवेंटी सिक्स। फोर थ्री में फोर थ्री ही, ओके। तो ऐसे अगर आपको कोई भी नंबर दो डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाने के लिए बताए, तो पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर लिखना है, टेंस की प्लेस पर छोटा नंबर, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो टेंस की प्लेस पर बड़ा नंबर और वंस की प्लेस पर छोटा नंबर। नाउ पुट ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये सिंबल है वो ग्रेटर देन का है, ये स्मॉलर देन का, और ये इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, स्मॉलर देन का मतलब है यहाँ पर जो नंबर आएगा वो छोटा होगा, और इक्वल टू का मतलब है इसकी दोनों ओर के नंबर एक ही हैं, एक जैसे हैं, उनकी वैल्यू एक है। अभी देखो यहाँ पर ये 48, 46, तो कौन सा बड़ा है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये दोनों टू डिजिट नंबर है ना, दो दो डिजिट है, तो पहले हम टेंस की प्लेस देखेंगे, जो टेंस की प्लेस बड़ी है वो बड़ा, तो यहाँ फोर है, यहाँ भी फोर, तो ये तो इक्वल हो गया। तो अभी हम वंस की प्लेस देखेंगे, यहाँ एट है, यहाँ पर सिक्स, तो कौन बड़ा है, एट या सिक्स, एट, तो कौन सा नंबर बिग होगा, 48 के 46, यस 48। नाउ यहाँ पर सेवन है, यहाँ पर पहले टेंस की प्लेस देखनी है हाँ, फिर ऐसे टेंस की प्लेस सेम आए तो ही वंस की प्लेस में मेंशन करनी है, देखनी है, वरना नहीं। तो यहाँ देखो टेंस की प्लेस में यहाँ सेवन है, यहाँ एट, तो यहीं से डिसाइड हो गया कि ये वाला बिग है, तो ये वाला सिंबल आएगा। मैं आपको एक और शॉर्टकट बता रही हूँ कि देखो ये जो सिंबल है ये क्या है, जैसे किसी बर्ड की बिक, चोंच, चोंच जैसा दिखता है ना, तो जिस ओर ये चोंच ओपन होगी वहाँ बिग नंबर आएगा, और जिस ओर ये चोंच बंद होगी, बिक बंद होगी, वहाँ पर स्मॉल नंबर आएगा। देखो ये यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर बिग, अगर ऐसा किया तो यहाँ पर बिग और यहाँ पर स्मॉल। ये सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस ओर ये बिग ओपन होती है, एरिया ओपन होता है वहाँ बिग, और जहाँ ये जॉइंट हो जाता है वहाँ स्मॉल, तो आपको जल्दी याद रहेगा। नाउ ओवर हियर वन टू टू वन, देखो पहले वन है, यहाँ टू है, तो ये बड़ा हो गया, तो हमने चौंच इस साइड ओपन कर दी। अभी टू और टू दोनों सेम है, तो फिर वन डिजिट देखते हैं, फाइव सेवन, तो सेवन बिग है, तो हमने इस साइड की चौंच ओपन कर दी क्योंकि ये बिग है। थ्री तो यहाँ वन है, तो ये ओपन कर दिया। तो ऐसे आप सब अपने आप करने की कोशिश करना, मैंने तो यहाँ पे करके दिया ही है। नाउ एक और पेज है, यहाँ पे सर्कल द डिजिट इन वन प्लेस। अभी आपको प्लेस वैल्यू मैंने बताई है, ये कौन सी प्लेस है, वंस की, तो सारी वंस की प्लेस को आपको सर्कल करना है। फिर बोलता है टेंस की प्लेस को, तो ये टेंस की प्लेस है, उसको सर्कल करना है। सर्कल द नंबर विच इज फाइव इन वंस प्लेस, वंस की प्लेस पर कौन से डिजिट में फाइव नंबर है, यहाँ नाइन है, यहाँ थ्री है, यहाँ फाइव है, तो इसको सर्कल करो, यहाँ भी फाइव है तो इसको भी सर्कल करो। सर्कल द नंबर विच हैज टू इन द टेन प्लेस, टेन की प्लेस में टू है, तो यहाँ देखो यहाँ टू के टू है टेन की प्लेस में, यहाँ नाइन है, इसको मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ भी नाइन है, यहाँ फोर है, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। राइट एनी फोर नंबर हैविंग फोर इन वन प्लेस, यहाँ पर क्या बताया है कि वन की प्लेस में फोर नंबर आए, ऐसे नंबर लिखने हैं,
तो मैंने देखो यहाँ पे सब में फोर लिखे हैं, लिखे हैं ये वन की प्लेस। आगे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, वन डालो, टू, फाइव, नाइन, सेवन, एनी नंबर, आप ऐसे अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट, राइट एनी फोर नंबर हैविंग सेवन इन टेन प्लेस। टेंस की प्लेस में सेवन नंबर आना चाहिए, तो टेन की प्लेस पहले आती है, तो देखो मैंने हर जगह सेवन डाला है। फिर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जीरो, वन, फाइव, एट, सिक्स, वन्स की प्लेस में एनी नंबर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर नंबर है, उसको आपको बताना है वन्स की प्लेस में कौन सा नंबर है और टेंस की प्लेस में। यहाँ देखो वन्स में कौन है, तो के सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिखा। टेंस में कौन है, थ्री। यहाँ वन्स में कौन है, सेवन। टेंस में फोर, वन्स में टू, टेंस में नाइन, वन्स में फाइव, टेंस में टू। तो आप ऐसे अपने आप भी अपने पेरेंट्स को पूछकर टू डिजिट के नंबर लो और ऐसी प्रैक्टिस करो। ओके, तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।